आज के अध्ययन के लिए दूसरा कुरिन्थी 6:18। यस, इंग्लिश में भी पढ़िएगा, पंजाबी में भी पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा पिता होवेगा अते तुसी मेरे पुत्र तियां होवोगे, ये वचन सब शक्तिमान प्रभु दा है। हाँ, हिंदी में, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इंग्लिश में कैन समवन रीड? I will be your father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. लेकिन इसके साथ आपने उसका 14 से भी पढ़िएगा। तुसी बेप्रतीत्या नाल अनसावे ना जितो, क्यों जो तारम अते कतारम विच की सांझ है, जां चानन दा अनेरे नाल की मेल है, अते मसीह दा बलियाल दे नाल की मिलाप है, अथवा प्रतीतवान दा बेप्रतीते नाल की हिस्सा है, अते परमेश्वर दी हैकल नूं मूर्तियां नाल की वास्ता है। असी तां सब शक्तिमान दी हैकल हाँ, जिवें परमेश्वर ने वचन कीता, मैं उन्हां विच वास करांगा अते फिरिया करांगा, मैं उन्हां दा परमेश्वर होवांगा अते ओ मेरी प्रजा होंगे, इसलिए उन्हां विचों निकल आओ अते अट होवो, प्रभु आखदा है, अते किसे प्रेस्त वस्तु नूं हाथ ना लाओ, मैं थानू कबूल कर लवांगा, आर थोड़ा पिता होवांगा अते तुसी मेरे पुत्र तियां होवोगे, ये वचन सर्व शक्तिमान प्रभु दा है। इधर लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो इधर परमेश्वर हमसे साफ साफ क्या कह रहा है, तुम मेरे क्या होंगे, बेटे और सो कितना तसल्ली का एक विषय है। परमेश्वर मेरा क्या कैसा संबंध चाहता है, बाप और बेटे का संबंध, लेकिन शर्त क्या है, उनसे तुमने क्या रहना, अलग रहना, किन से, संसार से अलग रहोगे तो ही परमेश्वर आपको अपना बेटा कर क्या करेगा, लिखा है ना इसमें, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। बीच में से निकलकर अलग रहने का मतलब क्या है, यह थोड़ी कि आप अपना घर बार छोड़कर आप अलग हो जाओगे, नहीं, उनके बीच में रहते वक्त, रिश्तेदार हैं इन सब के बीच में रहते वक्त, उनमें और आप में बहुत फर्क है, हर बात में, आपका उठना बैठना रहन सहन में अगर फर्क नहीं हो तो बाप के साथ के संबंध में फर्क आएगा। अगर बाप और बेटे का संबंध चाहिए तो क्या करना है, व्हाट आर यू सपोज टू डू, लोगों से क्या रहना, अलग रहना। अलग रहने का मतलब क्या है, आप उनकी शादियों में जाते हैं, आप उनके बर्थडे में जाते हैं, आप उनके साथ मिलते जुलते हैं, दुख के समय सब में मिलते हैं, उनको मालूम होना है इनका उठना बैठना, इनका कपड़ा, इनका सारा कुछ हमसे बिल्कुल अलग है, हमसे बिल्कुल अलग है, तब जाकर आपके साथ कौन होगा, परमेश्वर आपके साथ नाता कैसे, बाप और कितना तसल्ली है, जब वो मेरा कौन है, बाप है, मुझे तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे मेरे पिताजी चले गए,
प्रभु में विश्राम कर रहे हैं, माँ भी पिछले साल चले गई। थॉमस अंकल मुझे बेटा बुलाता, बिकॉज मेरे बाप के बाद अगला मेरे लिए ही इज द वन, आई एम लाइक ए सन, बट आई विल ओनली कॉल हिम अंकल, आई विल नॉट कॉल हिम पापा। सच है, ही इज लाइक ए फादर टू मी, वंस माई फादर इज गॉन देन ही इज द वन, बट आई विल नेवर कॉल हिम। मेरा एक ही बाप था एंड ही इज गॉन। दुख होता है, लेकिन अब पिछले साल मैं विलियम्स लेक में थे, सुबह हम लोग यही आईपैड में, मेरे भतीजे ने दिल्ली से फोन किया, मामू नानी जा रही, एंड हम लोग अकाउंट किए एंड शी इज टेकिंग अ लास्ट ब्रेथ। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, क्योंकि पापा के मौत के समय मैं नहीं था, एटलीस्ट मम्मी। तो हम लोग रात को ही 1 बजे आए थे विलियम्स लेक में फोर्ट सेंट जॉन से, और दिसंबर तक मम्मी मेरे साथ थी। दिसंबर फर्स्ट वीक में दिल्ली में हम छोड़कर गए थे बहन के पास। देन आई हैड ए पेन, लॉर्ड एटलीस्ट मम्मी के साथ आई कुड हैव बीन देयर, बट नो। लेकिन एक तसल्ली रहता, दुख होता है तो भी क्या होता है, एक तसल्ली होता है कि यस आई विल सी। लेकिन मेरा विषय, बाप और बेटे का संबंध परमेश्वर के साथ चाहिए तो इफ यू हैव टू नो हिम एज फादर, मेक श्योर दैट यू डोंट मिंगल विद द वर्ल्ड। आपके उठने बैठने और सब में क्या नहीं होना, किसके साथ नहीं मेल खाना, संसार के साथ नहीं। यू स्टिक टू दैट प्रिंसिपल, गॉड हॉनर्स। जैसे मैंने अपने बेटे का बताया, मेरी बेटी भी पढ़ाई में अच्छे हैं, बट देन वी मेड इट ए प्रिंसिपल कि हमारे लिए परमेश्वर के बाद ही है बाकी सब। नासा का कंपटीशन आया है, 2 लेवल में माय वाइफ आल्सो वेंट, उसके एक में ही क्लियर्ड। तीसरा टेस्ट आया था, इट वाज ऑन ए संडे, नो सैम, संडे इट्स द लॉर्ड्स डे। आराधना को छोड़कर हम किसी बात में नहीं जाएंगे, फॉरगेट अबाउट इट। इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो भी नो। क्यों? जिस प्रभु ने सप्ताह भर संभाला उसको आराधना किए बिना तो मैं तो कुछ भी, हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं क्यों बोला, कैन आई जस्ट पुट दैट प्रिंसिपल, और क्या होगा, बाकी सारा कुछ कौन संभालेगा, परमेश्वर संभालेगा। मेरे बाप ने जैसे बोला मैंने उसके लिए आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, जैसे बोला उसको क्या कर लो, मान लो, सिखाओ। और परमेश्वर की आशीष का मतलब क्या, गॉड विल बी विथ यू। हमारे साथ पंगा क्या होता है, बीच बीच में बाप, आज उसको परमेश्वर कर लोग मानते हैं, दे नो हिम एज गॉड, बट डू यू नो हिम एज योर फादर। कैसे जानना, बाप की तरह। So, लेकिन बाप की तरह जानना है तो परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर वो दिलेरी देना, टू अप्रोच हिम एज फादर। सच है। So, कई बार हम वो नजदीकीपन क्यों नहीं एहसास कर पाते, क्यों नहीं एहसास कर पाते, क्योंकि उसके असूल से हम कहीं ना कहीं क्या हो गए, हट गए। छोटी सी बात काफी है, छोटी सी बात होगी कहीं भी, आप वॉलमार्ट में थे, कहीं एक सिक्का पड़ा मिला, उठाकर जेब में डाल लो, बाप के साथ संबंध में असर करता। मैं ऐसा नहीं, तू ये सड़ी हुई आदत कहां से सीख कर आया। सो आप बोलो ना, हम अगर उस हिसाब से चलने लगे, हमारा जीवन कितनों के लिए आशीष बनेगा। हाँ, मैं शॉपिंग के लिए गया कॉस्को, उधर से वापस आने को बाकी लोग रेडी इधर उधर फेंक कर जाते, नो प्रॉब्लम, मैं उस सबको लाइन में लगा दूंगा। आई एम जस्ट डूइंग इट, पुण्य कमाने के लिए नहीं, क्योंकि आई एम सेंसिटिव। बाप मुझे जो भी देखता है ना,
वो चीज, तब आप देखो दूर से कोई गाड़ी में बैठकर देख रहा होगा ये आदमी क्यों, और रेडियो को सब उधर लगा रहा है, उससे कौन बात कर रहा होगा, परमेश्वर बात कर, आपने उससे वचन नहीं बोला, आपको मालूम भी नहीं, बट कोई कहीं बैठकर क्या कर रहा है, देख रहा है। कैन यू इमेजिन आपका लाइफ कितनों के लिए क्या बन सकता है। अब कल बोल रहे थे ना होमलेस को जाकर हम क्या किए, खाना दिए, इट्स अ सिंपल एक्ट, छोटा सा, लेकिन स्वर्ग देखकर क्या करता है, हम उसकी गरीबी का क्या नहीं उठा रहे, नजायज फायदा नहीं उठा रहे। मैं घर में अच्छी तरह खाता हूं, मेरे बच्चे अच्छी तरह खाते हैं, चल पिछले दिन एक ने हमारे पास कपड़े भेजे, बोलता जी सेवा के लिए आप जाते हो नेपाल तो ये कपड़े आप हमारे घर में थे तो आप, हम अभी यूज नहीं करते, मेरी पत्नी बच्चे यूज नहीं करते, तो आप सेवा के लिए ले। मैंने बोला जी हम ऐसे देते नहीं, कारण अगर देने लगे तो लोग बोलेंगे आप कपड़ा देकर लोगों को कन्वर्ट करते हो, सो हम ऐसा काम ही नहीं करते। तो फिर वो बोले नहीं ले जाओ ना, नहीं तो ऐसे ही पड़े सड़े रहेंगे। तो हमने बोला ठीक है अच्छे अच्छे कपड़े होंगे तो आप दे दो, तो हमारे विश्वासियों को हम जा कर देंगे, नए लोगों को नहीं, किसको, पहाड़ों में विश्वासी हैं, बिल्कुल उनके, हाँ। और हमें बोला नया है करके बोला, तो आई सेड ओके फाइन, सी बिलीवर्स को, विश्वासी को जब आप जाकर देते हो, आपका भाई है, बेशक गरीब है, नहीं आपका भाई है, जैसे आपको हक है, लेकिन हाँ उसके पास उतनी सुविधा नहीं है। तो आगे पेटी आ गया तो हमने खोल कर देखा तो यू नो व्हाट, इट्स टॉर्न, फटे कपड़े दिए, मालूम है कितना दर्द होता है। आपका अलमारी खाली किया ना नया कपड़ा खरीदने के लिए, और आप ये हमारे भाई बहनों को ये दे रहे हो, क्या लानत नहीं आएगी आपके ऊपर, कैन यू इमेजिन, लानत नहीं आएगी। अब कितना दुआ करोगे माफ होने के लिए, दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, से थर्ड क्लास, नो। एंड बाप के साथ संबंध में असर होगा, ऐसा कपड़ा देकर आप प्रभु के चरणों में जब बैठेंगे, अब एक के बारे में मालूम है, उनके घर में कोई काम करने गया विश्वासी भाई गया, वो जिसके जो जिसके घर गया था वो भी विश्वासी, थोड़े पैसे वाले, तो हमारे विश्वासी भाई थे, सो इन लोगों को पेंटिंग वगैरह का काम मालूम है, सो ये चले गए, और फिर मेरे को आकर बोले पास्टर जी खाने के लिए जो दिया था ना वो कल का बासी रोटी था। सोच कर देखें, आपका भाई आपके घर में आकर वाइट वॉश किया, जैसे आपने ताजा खाना खाया, क्या उसने नहीं खाना था, उसको आपने कल का पुराना रोटी और सब्जी दिया, यू अंडरस्टैंड। मैं क्यों एग्जाम्पल बोला, हमसे बाप का स्वभाव दिखना, लुक एट द प्रिविलेज, बाकी दुनिया उसको बाप कर कर जान ही नहीं सकती है, वो तो दुनिया परमेश्वर से डरती है ना, डरती है क्योंकि वो जानते ही नहीं। अब हम उसे कैसे जान रहे हैं, बाप की तरह जानने वक्त बड़े आराम से, इट्स सो इजी फॉर द नेचर ऑफ माय फादर टू कम थ्रू मी, सच है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, तो वेरी इजीली आपका सोच क्या हो जाएगा, वो भी मेरा भाई, बेशक हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सब कौन है, भाई है। लेकिन एक बात नहीं करना, होमलेस को जाकर ये नहीं बोलना तू यीशु के पास आ जा ना, उसकी गरीबी का कभी क्या नहीं उठाना, फायदा नहीं उठाना, नेवर। परमेश्वर ने उसको उस हाल में रखा, मुझे इस हाल में रखा, आप बोलो ऐसे मैं इधर से निकलकर किसी के पास बैठकर उसको एक गर्म कॉफी पिला दूं, इज फादर वॉचिंग, डोंट डू इट फॉर ब्लेसिंग, नेवर डू इट। मैं आज क्या करूंगा, मैंने गर्म कॉफी पिया, आज बहुत होमलेस है, नॉट आउट ऑफ पिटी, कभी भी उन पर दया कर कर जाकर खाना नहीं देना,
प्यार से जाकर देना। आपने कॉफी दे दिया लेकिन दया से दिया ना, वो जो देने में आशीष जो दी वो भी गई। कैसे देना? बेचारा बोलकर नहीं, तू मेरा कौन है? तू मेरा भाई है। अब आप बोलो नशा से छुटकारा मिल जाएगा उसको? इफ वी बिलीवर्स स्टार्ट वॉकिंग एज बिलीवर्स, हम दूसरों के लिए सोचने लगेंगे ना, तो स्वर्ग किसका ख्याल रखेगा? हमारा। तब आप बोलिए हमें एक विश्वासी की तरह चलने का मौका है हमारे सामने, है या नहीं है? रोज कितने मौके हमें मिलते हैं टू प्रैक्टिस, किसके लिए प्रैक्टिस करना? क्या चीज? विश्वासी की तरह चलने के लिए। सो इधर हमारा बाप क्या बोल रहा है? तो मैं तुझे और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और साइन कैसे किया है? यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यानी आपने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी के नीचे सिग्नेचर होता है ना, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंग, योर्स ट्रूली। मैं साइन करने का क्या लिखूंगा अवतार जी? योर्स सिंसियरली मैथ्यू सैमुएल पास्टर, ठीक है? लेकिन अगर परमेश्वर चिट्ठी लिख रहा है तो क्या लिखेगा? आई एम योर गॉड योर फादर। वो लेटर को शक्ति है। दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट पढ़िएगा पहला योना 3:1, पहला योना 3:1। देखो पिता ने साडे नाल किहो जिहा प्रेम किया है जो असी परमेश्वर दे बालक सदाईए अते इहो असी हाँ भी। इस करके संसार सानू नहीं जानदा क्यों जो उसने उनू नहीं जाने। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। इधर ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि क्रूस पर जान दिया। क्या लिखा है? इतना प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाए, हाँ, और हम हैं भी। नाम के वास्ते नहीं, हम असली में किसके संतान? परमेश्वर के संतान। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम निराश क्यों हो जाते हैं? हमारी निराशा का मूल कारण क्या है? हम संसार से क्या चाहते हैं? वी कंपेयर आर सेल्फ विथ हुम? द वर्ल्ड। और फिर किस में चले जाते हैं? निराशा में चले जाते हैं। निराशा में जाने के पीछे कारण कौन है? हम ही तो हैं। आप अच्छी तरह समझना, मेडिकल साइंस बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स दे आर डूइंग ए वेरी बिग सर्विस टू मैनकाइंड, वी लव देम। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप बीमार हो ना, वो चंगा नहीं कर पाते, वो आपकी प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं। समझ में आ रहा है? डॉक्टर्स के पास चले जाओ, दे डोंट हील, बट व्हाट दे डू, दे मैनेज। मैनेज का मतलब ज्यादा बिगड़ने से आपको क्या कर रहे हैं? ठीक कर दो ना। वो बोलते हैं हमारे बस की बात थोड़ी है। पिछले दिन कोई मेरे से बात कर रहा था, बोलते हम तो दवाई तो देते हैं लेकिन अगर बंदे ने मन बना लिया मैंने ठीक नहीं होना, ये दवाई भी कोई असर नहीं करती। उससे आप समझ लो, डॉक्टर ने दी हुई गोली आप में असर करना है तो कम से कम मेरे अंदर उसके लिए क्या होना? मन होना, तभी वो गोली भी क्या करेगी? असर करेगी। सो इधर हम क्यों निराश हो जाते हैं? व्हाई वी गेट डिसअपॉइंटेड, व्हाई वी गेट फ्रस्ट्रेटेड? क्योंकि मैं अपने आप को किससे तुलना कर रहा हूं? दूसरों से। आई एम यूनिक, मेरा हाथ एक ने पकड़ा। सच है ना? परमेश्वर ने हमसे इतना कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के, उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? क्यों?
बाप होने के कारण ना उसने क्या किया है, मेरा हाथ को थामा है. कैन यू रियलाइज, मेरा हाथ किसी ने क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ. निराशा से बाहर निकल सकते हो? हाँ जी, निराशा से बाहर निकलने के लिए इतना काफी है? बोलिए. डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए और कुछ छू मंत्र? कुछ नहीं. समवन इज बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमॉरो. हाउ मच, कितना वो मुझे प्यार करता. आगे पढ़िए गलाती 4:5-7. आई एम जस्ट रीडिंग दोस वर्सेस अगेन. गलाती 4:5-7 पिछले दिन हम लोग पढ़े हैं, ये दोबारा पढ़ रहे हैं. इसलिए जो मुल देते उन्होंने जेडे सदा शरा दे मतहत हन छड़ावे कई ले पालक पुत्र होने की उपाधि सानू प्राप्त होवे. अते तुसी जो पुत्र हो इसे कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र दे आत्मा नू साडे दिलां विच घल दिता जेड़ा अब्बा अर्थात हे पिता पकारदा है. सो तू अगाहां नू गुलाम नहीं सगों पुत्र है, अते जे पुत्र है तां परमेश्वर दे राहीं अधिकारी भी है. ताकि व्यवस्था के अधीन उसका 5-7 में पढ़ रहा हूं. ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले. और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है. इसलिए तू अब दास ने, अब लिखा है ना तू, वो किससे बोल रहा है, हमसे या मेरे से? मेरे. हमारे साथ ये एक दिक्कत है, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमसे. बोलना कैसे है? जब तू बोल रहा है तो कौन? मेरे से बोल रहा है. तू आगे क्या नहीं है, दास. तू मेरा दास नहीं, तू मेरा बेटा है. और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है. हमें वारिस से मतलब नहीं, हमारा मतलब किससे है, बाप से है. आज बहुत से लोग स्वर्ग में जा रहे हैं ना, क्या क्या बोलकर, उधर मेरे लिए क्या रखा है, लालची ना है. स्वर्ग क्यों जा रहे हैं, सोने का मकान बनाकर रखा है, नहीं बड़ा कोठी बनाया, सड़क भी सोने का, लालची. तेरे को इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए. एक विश्वासी यीशु के पीछे क्यों निकलता, वारिस बनने के लिए नहीं, सिंहासन में राज्य करने के लिए. ध्यान रखना, किसके लिए नहीं, सिंहासन में राज्य करने नहीं जा रहा, दुल्हन बनने नहीं जा रहा. मैं उसको प्यार करता हूं, अब मुझे दुल्हन बनाए, राज्य करे, सिंहासन करे, वो तू जान, मुझे उससे कोई मतलब नहीं. मुझे मतलब किससे, तुझे. ध्यान रखे, बाकी हमसे भी पढ़े लिखे ज्ञानी लोग समस्या आने का जब हाय हाय करते हैं, हम नलायकों को हमारे मुंह से क्या निकलता है, हे अब्बा. दुनिया परेशान है, हम क्या कर रहे हैं, हे अब्बा करके बुला रहे हैं. आरामी शब्द है, यूनानी नहीं है, एब्रानी नहीं, कौन सा भाषा है, अरामिक. प्रभु यीशु अरामिक भाषा बोलता था, उस समय का भाषा. सो उस भाषा में क्या बोल रहे हैं, जैसे हम हालेलुया बोलते हैं, इब्रानी भाषा. अब्बा कौन सी में, अरामिक. और उसमें हम क्या बुला रहे, अब्बा. अब्बा जब बुलाते हैं तो क्या स्वर्ग ऐसे झुकेगा? I'm just showing you a picture. क्या बोलकर जा रही है, जा रहा है. प्रार्थना क्या है, इसको बोलते हैं प्रार्थना. You realize when you bow down,
जब आप घुटने में बैठे हैं, क्या स्वर्ग झुकेगा? हाँ, तब आप अभी बताइए, आपकी समस्या आपने मेरे को बोलना है या आप, वो ना मौका है किसके पास जाने का? जरा सोच कर देखे, आपके घर की समस्या कितना अच्छा मौका स्वर्ग ने बनाकर दिया किधर जाने के लिए, और हम बोलते हैं ये कैसे ना कैसे दूर हो जाए। यू अंडरस्टैंड? आपके शरीर में तकलीफ, आपके घर की परेशानी, ये सब बाप ने क्यों डिजाइन किया? मेरा बेटा मेरे पास आएगा, और आप बोलते नहीं पादरी जी आप प्रार्थना करो, उसके पास नहीं जाना। सो आप जरा सोच के देखें, हाउ मच हेवन लॉन्ग्स टू हैव मी, और जब मैं घुटना टेक कर उसके साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं, मालूम है कितना आनंद है। मैं किसको महसूस कर रहा हूं? लेकिन जब मैंने उसको बाप कर कर जाना ही नहीं है, मेरे जीवन में कई बातें होने के कारण मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? आई विल नॉट गो। बच्चा देखा ना, पापा बोलकर जा रहा है, हम कैसे बोलकर जा रहे हैं? अब्बा, स्वर्ग झुकेगा? ज्यादा बातें ना करो, सिर्फ क्या ही बोलो, अब्बा। उसको सब कुछ मालूम है। जब आप अब्बा बोलते हैं, आंखों से आंसू निकलता है। यू जस्ट से इट फ्रॉम योर हार्ट। लेकिन ऐसे बोलना है तो आपके दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा ये संबंध। कल्टीवेट का मतलब क्या है बोलो ना, पंजाबी में क्या बोलोगे? कल्टीवेट, पौधे का क्या करना? उसको परवरिश करना, देखभाल करना, खाना देना। तब जब मौसम बदलेगा ना, सीधा किधर ही भागोगे? अब हम लोग एक जगह क्लास लिए, मैं तो स्टेज में खड़े बैठकर, आपने सुना होगा, बोलता अपनी समस्या लेकर मेरे पास नहीं आना, आपके बाप के पास जाओ। बट स्टिल हम बोलते तो हैं, फिर भी हम लोग स्टेज से उतरने के बाद हम बोलते हैं प्रार्थना करना कोई विषय है, आ जाओ एंड वी प्रे। स्टेज में ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि यू गेट क्लोज टू गॉड। सो हमारा सोच क्या है, मीटिंग और लोग आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, तो वी आर एक्सपेक्टिंग। तो एक बहन आई और एक और भाई भी बाद में दूसरी जगह में आया। फर्क मालूम क्या, वी आर एक्सपेक्टिंग, वो सिस्टर आकर खड़ी है, तो मैंने बोला सिस्टर जी कौन सा विषय प्रार्थना करना है? नहीं, प्रार्थना करने थोड़ी आई हूं, आपने क्या सिखाया अभी? वो मेरा बाप है, थैंक यू फॉर टीचिंग। प्रार्थना नहीं करना? ना, मैं खुद करूंगी। मुझे झटका भी लगा, लेकिन प्रचार तो मैंने ही किया, लेकिन झटका भी लगा। एक और भाई था, वो एक सिख भाई है, लुधियाने का रहने वाला। वो क्लास के बाद वापस जा रहा था, तो मैंने सोचा सिंस यू आर गोइंग तो मैं प्रार्थना करूंगा। अभी जा रहे हो ना लुधियाना? बोले नहीं प्रार्थना नहीं करना, बाप है। मैंने बात कर ली, हौसला भी मिलता। इतना बड़ा भीड़ बैठा था, वचन बताया, एक बंदे ने कबूल कर लिया। उसकी गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, दैट्स ऑल। अब्बा बोलकर किधर? और आप बोलो, बाप के पास जाने का कोई रोक सकता है? कोई शैतान? हाँ, हम लोग की आदत है ना, प्रार्थना में बैठेंगे तो किसको भगाना, क्योंकि हमारा सोच के बाप के कंधे में ही रहता है कौन। शैतान तो हर मीटिंग में है ही है, यीशु मसीह के नाम में सब शैतान क्या हो जाए। मेरे बाप के बगल में, मैं जब बाप के पास जाता हूं, कौन सा शैतान रोकेगा? आज तो कोई ऐसा शैतान पैदा हुआ? मेरे मुंह से सिर्फ कितना निकल, क्या निकलना? वो शैतान मेरे चारों तरफ बाड़ा बांध सकता है, लेकिन मेरे ऊपर छत नहीं डाल सकता। समझ में आया जो बोला? मेरे को चारों तरफ से क्या कर सकता है? घेर सकता है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन घुटने में बैठने से क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं सकता। लुक एट द प्रिविलेज। पहले बहुत लोग आत्मिक तौर पर लड़ाई शड़ाई बहुत होता था,
हम भी वी ऑल्सो स्पिरिचुअल बैटल है, सब कुछ है, लेकिन आत्मिक लड़ाई करना है तो सबसे पहले प्रार्थना का जीवन हो तो ही आप क्या कर पाएंगे, आत्मिक लड़ाई कर पाएंगे। सो आपके जीवन में कोई विषय है नहीं है, क्या करना है? आपका वॉर रूम आपका बेडरूम में है, आपका प्रार्थना का जगह आपका लड़ाई का कंट्रोल सेंटर है, आपका पति टेढ़ा है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, बैठ जाओ, नाम लिखकर इसमें चिपका दो और बैठ जाओ, प्रभु समस्या का हल चाहिए। प्रभु हल देगा नहीं देगा? बैठे रहे बस चिंता ही करते जाते हैं ना, जो जो विषय हैं उसको पेपर में लिखो और क्या करो, आपका वो जो कंट्रोल रूम है ना, वॉर रूम, घर का मेन कंट्रोल सेंटर कौन सा है, जिधर आप घुटने में बैठे हैं उधर से सारा कंट्रोल होता है। कैसे, किससे बात कर रही हूं? आपने आदत डालना, मेरे घर में एक वॉर रूम चाहिए। वॉर रूम क्या होता है, जिधर से हम अपने घर के परिवार के जो भी विषय सब क्या कर रहे हैं, लिख कर रखकर क्या कर रहे हैं, यू बी ऑन योर नीज, फिर देखो परमेश्वर काम कैसे करता। बैठकर सोचना नहीं, अभी हम वचन सीख रहे हैं ना, हाँ वचन सीखना है, नोट्स लिखना है। वो नोट्स क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम भूल ना जाए, कल किसी को सिखा भी दे। अब हमारे सब पंगा भी क्या है, हम बोलते हैं नोट्स लिखना, तो कई लोग प्रार्थना भी जोड़कर क्या करने लगते हैं, नोट्स लिखने लगते हैं। अब आपको ही मुझे नहीं मालूम, पास्टर जी आ रहे हैं तो रात भर बैठे क्या करने लगते हैं, हमारे उधर है, हमारे पास्टरों के साथ भी मुसीबत ऐसी है, साल भर भोपाल आएंगे तो उनको पिछले साल पढ़ाया सारा नोट्स लेकर आना है, और जब क्लास खत्म हो जाता है ना, क्या खुशी से निकले होते हैं, ऐसे जैसे स्कूल से छुट्टी होगी, भाग रहे होते हैं। हमारे भोपाल में ऐसे पास्टर लोग क्लास के लिए आएंगे, अंदर आए तो तीसरे मंजिल में चढ़ गए तो 5 दिन उधरिए, और उधर से उतरेंगे तो स्टेशन जाने के लिए, और उनको बोला जाता अगले साल आने वक्त नोट्स लिख कर लाना। लेकिन पूरे साल सेवा करते मस्ती, ये वो मस्ती मतलब ढीले ढाले रहते हैं, भोपाल जाने का डेट आ गया, जून में ही पत्नियों को मालूम चल जाता है पास्टर जी का क्या शुरू हो गया, स्टडी शुरू हो गया। कोई तंग नहीं करना, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं। मैं बोलने का मतलब लिखना है, नोट्स लिखना है, यस गुड, बट ये नोट्स किसके लिए लिख रहे हैं, ताकि ये वचन किधर आ जाए, अंदर आ गए, वचन अंदर तो आ गए, लेकिन मैं अगर प्रार्थना नहीं कर पाता। सो आगे पढ़िए यूहन्ना 1:12, John 1:12, पर जिन्हां ने उसनू कबूल किया उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्हां ने उसके नाम उत्ते निश्चा की। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, है ना, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसका मतलब क्या है, इधर वचन क्या कह रहा है, परंतु जितनों ने उसे कबूल का मतलब स्वीकार का मतलब एक्सेप्ट का मतलब बोलो ना, शब्दों तो हमारे पास बहुत हैं, उसका मतलब क्या है, मैंने तूने बोला मान लिया, हम इधर मानते हैं, इधर नहीं, समझाने के लिए। मैं पिछले दिन मैं टिकट बुक कर रहा था वैनकूवर, भोपाल टू वैनकूवर, तो आई एम जस्ट गिविंग माय एग्जांपल, तो ऑनलाइन बैठ कर टिकट बुक कर रहा हूँ, तो मेरे पास कार्ड है, तो मैं कार्ड उसमें नंबर डाला, सिक्योरिटी कोड भी डाला, साइट बोलता है नॉट एक्सेप्टेड, ट्रांजैक्शन नॉट एक्सेप्टेड। मैं बोला भैया पंगा क्या है, मैं तो टिकट लेता हूँ, इसको हो क्या गया,
एक बार किया नो आई अगेन नहीं तीसरी बार फिर किया बैंक ने कार्ड ही बंद कर दिया ब्लॉक कर दिया अब मैं बोला क्या हो गया बैंक का कंप्यूटराइज्ड है उसको लगा कि कोई और मेरा कार्ड इस्तेमाल कर रहा मैं एक्सेप्ट का मतलब मैंने कार्ड डाला नंबर डाला ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड सक्सेसफुल आता ना बड़ी खुशी होती है मैं आज सुबह भी टोरंटो टू अटलांटा का टिकट ले रहा था तो मैंने नंबर डाला सिक्योरिटी कोड डाला और वो गोल चक्कर घूम रहा है मेरे को टेंशन है एक्सेप्ट होगा या नहीं लेकिन जब मोमेंट आता ना थैंक यू कन्फर्म मजा आ गया सेम वे गॉड सेड इट मेरे इधर वो गोल चक्कर घूम ही रहा है अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया आपने किया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो बोलते हैं जब ट्रांजैक्शन होता है ना रिफ्रेश नहीं करना बैक नहीं जाना परमेश्वर ने तो हमें बोल दिया अधिकार क्या दिया तूने मान लिया तो तेरे को मैंने पुत्र माना हमने बोला बिल्कुल ठीक है लेकिन अब अभी भी हम क्या कर रहे हैं सोच रहे हैं मानना या नहीं मानना स्वर्ग बोलता है मैंने कार्ड डाला सारा कुछ डाला तू अभी भी क्या कर रहा है सोच ही रहा है रहने दे तू सोचता ही रहे आज बहुत तेरे विश्वासी परेशान क्यों हैं उसको क्या नहीं किया एक्सेप्ट नहीं किया एक्सेप्टेंस का मतलब तूने बोला तू मेरे लिए मरा कर तूने बोल दिया मैंने क्या कर लिया ले ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल तू मेरा क्या है बेटा है बेटा बनने का क्या दे दिया हक क्यों दिया सो दैट आई कैन मैं उस हक का इस्तेमाल करूं पूजा नहीं करना क्या करना पढ़िए ना लिखा है इधर परंतु जितनों ने पर जिन्हां ने उसनु कबूल कीता उसने उन्हां नु परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता है ना परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है क्या करने के लिए रोने के लिए हाँ जी रोने के लिए अब मैं अपना एक और एग्जांपल बता रहा अभी हम लोग अबू धाबी से ओमान गए नहीं इंडिया से अबू धाबी आए सो इट्स वीजा ऑन अराइवल तो मुझे नहीं मालूम था उधर फीस लगता है अंदर घुसने के लिए तो वो पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर हमारा पासपोर्ट देकर बोलता है फीस मैं बोला मेरे पास पैसे है कैश है यूएस डॉलर बोला नो कैश मैं चक्कर में पड़ गया कैश नहीं लेगा तो मैं अंदर घुसूंगा कैसे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा लेकिन प्रभु का दया मेरे पास कार्ड है मैंने जब कार्ड दिया यस मैं ये क्यों एग्जाम्पल बोल रहा हूं अगर मैं मान लू दरवाजा खुल जाता है किसके लिए पुत्र का अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए समझ में आ रहा हम बोलते तो हैं पुत्र हैं तो फिर पुत्र का वो आपके पास कार्ड है ना आप बोलो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में से कौन सा लोगे आप आपको कौन सा चाहिए डेबिट कार्ड भी रखा है टेबल में क्रेडिट कार्ड भी रखा है कौन सा लोगे हाँ जी क्रेडिट लोगे डेबिट लोगे हाँ कौन है क्रेडिट वाला कौन है इसमें हाँ वो देखो क्रेडिट वाले ये भी क्रेडिट वाले क्यों क्रेडिट लेते हो आपका पैसा है मालूम है जो सिरदर्दी है डेबिट कार्ड में कोई टेंशन ही नहीं है डेबिट कार्ड में क्या नहीं है क्रेडिट कार्ड डाली जाओ पीछे वो रस्सी भी आ रहा है जिससे आपको फांसी टांगेगा है ना डेबिट कार्ड में तो कोई टेंशन ही मैंने क्रेडिट इस्तेमाल किया मैं तो उसी दिन क्या बन गया कर्जदार उसी समय डेबिट का हो तो कोई पूछने वाला ही नहीं मैं बोलने का मतलब
God has given me that authority, that power. लिखा है आपके बाइबल में? बाप ने कहा है, पुत्र बनने का क्या दिया? तो एक्सरसाइज कब करेंगे? सिंहासन में बैठकर? कार्ड कब चलाएंगे? हाँ जी, चलाना कब है? हम बोलते हैं पास्टर जी आप अपना कार्ड चलाओ, मैं अपने लिए चलाऊंगा ना, आपके लिए थोड़ी चलाऊंगा। समझ में आया? मैंने, मेरे को भी कार्ड मिला, जैसे आपको कार्ड मिला, कार्ड किसको भी, मुझे भी तो मिला है। अब मैं भी इधर अमेरिका में आगे पीछे जाता हूं तो मैं भी ये कार्ड लेता, तो कई लोग बोलते हैं आप कैसे, मैंने बोला तो क्या, आप ही हो क्या, मेरे पास भी है। और मालूम है क्यों ऐसे करना पड़ा? मैं अमेरिका में शुरू में जाने का किसी और को पैसे देता था, मैं बोलता था आपका कार्ड, उसमें गिफ्ट टैक्स भी लगता है। मैंने ग्रेहाउंड्स में कहीं जाना, उनका कार्ड इस्तेमाल किया, पैसे मैंने उनको दिए, लेकिन मुसीबत क्या है, उसमें लिखा था इज द पर्सन बियरिंग द कार्ड ट्रैवलिंग, तो उसमें टिक किया जाता है नो, तो कितना डॉलर एक्स्ट्रा, 20। अब मेरा अपना कार्ड हो गया तो मजे ही मजे। आई एम जस्ट गिविंग एन, मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल बोल रहा हूं। जब मुझे अधिकार है, मैं क्यों दूसरे का कार्ड इस्तेमाल करूं? हम लोग क्या बोलते हैं, पास्टर जी हमारी कार्ड तो चलती नहीं है, एक काम करो किसकी चला लो। वो कार्ड में लिखा था ना वैलिड फ्रॉम टू, हमारे कार्ड में कब तक है? मरते दम तक। आपके पास कार्ड है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, कौन सा कार्ड है ये? ये स्वर्ग का लोगो लगा हुआ कार्ड है। कोई भी विषय आ जाए, आई पुट माय कार्ड, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, स्वर्ग बोलता है। ये कार्ड लेकिन किसको ही मिलता है? जिसने उसको ग्रहण किया। क्या नहीं, इमेजिन, जिसने उसको ग्रहण किया उसको वो कवर मिला है। वो कवर के अंदर क्या है? ये स्वर्ग का एम्बलम वाला चिप वाला कार्ड है। तू कहीं भी चला ले, तू कोई भी परिस्थिति में, जस्ट कॉल मी इन द डे ऑफ योर ट्रबल एंड आई विल आंसर। लिखा है नहीं लिखा? सो मैंने करना क्या है? निराश होकर नहीं बैठना है। व्हाट एम आई सपोज टू डू? करना क्या है? अब्बा करके बुलाना, मेरे को दिया अधिकार को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। इधर हम लोग आगे, अब देखिए हम लेपालक है ना, लेपालक का मतलब गोद में लिए ना, गोद में लेने का मतलब क्या है? हम पहले दुश्मन थे, हमें उसने पुत्र का स्थान अकेला नहीं दिया, अच्छी तरह समझना, हमें सिर्फ पुत्र का स्थान नहीं, हमारे अंदर एक नया मनुष्य भी दिया, जिसके कारण हम हक से क्या बुलाते हैं, बाप या अब्बा बुलाते हैं। हमारे अंदर क्या डाला? एक नया मनुष्य डाला। और पुराना मनुष्य अब्बा बुलाएगा नहीं ना? बुलाएगा। हमारे अंदर का नया मनुष्य अगर मजबूत नहीं है ना, अब्बा नहीं बुला पाएगा। सो हमें उसने गोद में लिया, गोद में लेना सिर्फ नहीं, मेरे को अंदर से ही उसने क्या किया है, बदला। कैसे? हमारे अंदर का आत्मिक मनुष्य किससे जन्मा है? सच, इसलिए ना किसको बुलाता है। सो आपने क्या करना, आपके अंदर के आत्मिक मनुष्य को अच्छा खाना खिलाना, जैसे माता जी पिन्नी बनाती है ना, इसलिए ये क्लास जो 2 हफ्ते का, साल भर का कौन सा प्रोग्राम, क्या खाना है? पिन्नी खाना है। और किसके लिए? साल भर के लिए। इसको क्या कर लो? हजम कर लो। आपके साथ कोई नहीं है तो भी गाड़ी चलेगी? बोलिए जी, फिर डरते क्यों हैं? अब पढ़िएगा अय्यूब 13:24। एक आदमी बात कर रहा, अय्यूब 13:24, तू क्यों अपना मूल कौदा है अते मैनू अपना वैरी गिनता है? किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु, हाँ,
गिनता है। एक आदमी हमारी तरह का एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, हाँ? तू किस कारण अपना मुंह किससे बोल रहा है, अय्यूब किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो किस कारण तूने अपना मुंह फेर लिया। इसी तरह मैं और आप प्रभु के साथ बैठने वक्त कैन यू टॉक लाइक दिस, हाँ प्रभु तूने अपना मुंह क्यों फेरा, आजकल ये ठंडापन क्यों, आजकल मैं तेरी नजदीक को अनुभव नहीं करता क्यों, व्हाट्स द रीजन, कैन यू टॉक लाइक दिस, बात कर सकते हैं। हम बैठे क्या करते रहते हैं, हालेलुया हालेलुया, जय जयकार, स्तुति हो स्तुति हो, हम यही रट लगे रहते हैं, दूसरे पाठ करते हैं हम इधर रट करते हैं, और हम इस रट को क्या बोलते हैं, प्रार्थना। ये प्रार्थना नहीं है, प्रभु यीशु ने साफ बोला अन्य जाति की तरह क्या नहीं करना, बक बक नहीं करना। हमारी तरह का एक आदमी परमेश्वर से क्या बोल रहा, तू मुंह क्यों मोड़ लिया, आजकल मैं तेरी आवाज नहीं सुनता। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक इच्छा होना किसकी आवाज सुनना। ध्यान रखे प्रोफेसी क्या है, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, आपको परमेश्वर ने पहले बोली हुई बात का कंफर्मेशन होता है प्रोफेसी, पहले ही आपको क्या है उस बात का एहसास है, और आपको ये प्रभु की ओर से समझाने के लिए क्या आ रहा, ये प्रोफेसी आ रहा। सो जस्ट एक आदमी का प्रार्थना, 42:5 पढ़िए, अय्यूब 42:5। मैं तेरे पिछे सुनिया सुनाइया गल्ला सुनिया, पार होण मेरी अख तेनू वेखदी है। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसी तरह अब ये क्लास में हम बैठे हैं, हमें प्रभु इंडिया से लाया, हमने बैठकर वचन आपको सिखाया, आप सुन रहे हैं। अब परमेश्वर को किधर देखना है, अकेले बैठिए, इधर बैठकर वचन सुनना और अकेले उसकी उपस्थिति में बैठने में बहुत फर्क है। इधर आप मुझे देख रहे हैं, जब आप अकेले बैठते हैं तो किसको देख रहे हैं, तसली होता, देन यू विल चेरिश दैट टाइम। आप एक डिसिप्लिन बना, प्रभु तेरी हजूरी में जो आनंद है ना वो कहीं और नहीं है, मैंने सुना है, अब मैं क्या करता हूं, अब जो परमेश्वर को देखता है दिलेर होगा या डरपोक होगा, दुनिया उसके सामने झुकना पड़ेगा, ये नहीं झुकेगा, क्यों किधर से उठकर आया, परमेश्वर की उपस्थिति से आता। मैंने अभी तक क्या किया है, सुना है, मेरी सारी सोच किसके अनुसार थी। अब आप बोले आपका परमेश्वर से नजदीक संबंध हो तो कोई आपको गुमराह कर पाएगा, ये वचन किसके लिए है, ताकि हर बात को हम क्या कर सके, डबल चेक कर सके। आगे पढ़िएगा भजन संहिता 13:1, साम्स 13:1, हाँ 13 भजन संहिता उसका पहला वचन, हे यहोवा तू का तक मैनू भुला छेगा, की सजा थी तू का तक अपना मुंह मेरे तो लुकावेगा। लिखा हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा। पुराने नियम का व्यक्ति जो मंदिर में जाता था वो क्या बोल रहा है, लुक एट द वे ही टॉक्स। हम लोगों ने, मैंने और आपने उस लेवल में आना, उस नजदीकी, उस मैच्योरिटी में आना जिसमें हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। प्रभु कब तक, है ना, हे परमेश्वर कब तक, टिल व्हेन,
अब आप बोलिए, निराश होने को डॉक्टर के पास जाना या कमरे में बैठ कर घुटना टेकना? हाँ जी, कोई समस्या हो जाए इधर उधर बैठकर अपना सोचने की जगह में क्या करो, निराशा दूर हो जाएगी, समस्या का हल मिलेगा। हम उधर नहीं जाते, बाकी सब जगह घूमते हैं। आपने देखा हमारे इधर तो है नहीं, हमारे इंडिया में मुर्गियां को खोलकर छोड़ते हैं दिन भर, और शाम को फिर उनको क्या करते हैं, घेरते हैं, किधर जाने के लिए? वो उधर नहीं जाएंगे, घूमते ही रहेंगे। हम पूरी जान मारेंगे, तेरे को अंदर ही डालकर हम सोएंगे आज। इसी तरह परमेश्वर ये सारी समस्या क्यों ला रहा है, किधर घुसाए? हम उधर नहीं घुसेंगे, बाकी सब जगह घूमेंगे। कब तक घूमोगे? एक दिन तो किधर घूमना, किधर घुसना है? हम फ्री घूमना चाहते हैं। किसके पास ना जाएं? परमेश्वर के पास ना जाएं, बाकी सब जगह घूमने का। सो क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? उसको लग रहा है परमेश्वर मुझे क्या कर गया, भूल गया, क्योंकि प्रार्थना का क्या नहीं मिल रहा हमें, तो उसको तो हमें तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, भूल गया नहीं भूला, हमने तो बस जय जयकारी करना है। फर्क समझ में आया? लुक एट ऐसे कैसे प्रार्थना कर रहा है ये व्यक्ति दाऊद, ऐसे प्रार्थना क्यों कर रहा? क्योंकि वो जानता है उन नजदीकी क्या होता, परमेश्वर के साथ का नजदीकी को वो क्या करता है, जानने के कारण वो क्या बोल रहा है, तू कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए। अब आज आप बैठकर, अभी हम लोग प्रार्थना थोड़ी देर में प्रार्थना जब करेंगे, आप खुद ही एनालाइज करिए, जांच कर देखें, कहीं उसका मुंह मेरे से फिरा तो नहीं, मैं तो देख रहा हूं लेकिन क्या वो कैसे मालूम चलता है? जब आत्मिक जीवन में हम ठंडे हो जाते हैं ना, जब हमारे अंदर डर आता है, हमारे अंदर चिंताएं आती हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने अपना मुंह क्या कर लिया, फेरा। कैसे मालूम चलता है मेरे अंदर क्या आ रही है, चिंताएं आ रही हैं, डर आ रहा है। तब आपने क्या प्रार्थना करना, हे प्रभु क्या कारण है तेरा मुंह मेरे से हटा हुआ है? तो वह बैठे हाले लिया जय जय कर, जय जय मुंडी हिला कर, ये नहीं है प्रार्थना, वो पता नहीं और कुछ है। ऐसे आप प्रार्थना करो, चलने वक्त भी आप उससे बात करोगे और वो भी आपसे क्या करेगा, देन योर लाइफ, आपका जीवन कितनों के लिए तसल्ली होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं इब्रानी 12:5, अते तुसी उस उपदेश नूं भुल गए हो जिस तों सानू पुत्रां वांगू समझाईदा है। हे मेरे पुत्र, तू प्रभु दी ताड़ नूं तरस ना जान, अते जां ओ तैनूं झिड़के तां अक ना आई। हाँ, सो इधर लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। ये हमने पहले भी पढ़ा, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए आयत लिया। जब ताड़नाएं पड़ती हैं, जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो मुंह से क्या निकलना, मुंह लंबा नहीं हो ना, मुंह से क्या निकलना, हे अब्बा तू मुझे क्यों मार रहा। जब ये समस्या आती है तब क्या करना, मुंह लंबा करके नहीं बैठना, क्या बोलना, हे इसलिए जिसका परमेश्वर से नजदीकी संबंध रहता, उसके जीवन में जब कष्ट आता है ना, उसका मुंह देखना क्या बोल रहा है। वो आपके जीवन के कष्ट के समय बताएंगे आपका संबंध कैसा है। अभी पिछले बार हम लोग गए थे फोर्ट सेंट जॉन, लगभग 18 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अब उधर से हम लोग वापस इंडिया में जाने को क्या हुआ, उनकी बेटी उन लोग एक ट्रेलर में रहते हैं, खेत है, 5 बच्चे हैं, ट्रेलर को आग लगा,
ये खेत में काम में थे, इन लोग ध्यान नहीं दिए। छोटा बच्चा अंदर ही था, जलकर मर गया। तो झटका हमें भी है, ऐसे ये क्या निराशा आती है। लेकिन प्रभु की दया, उन लोग प्रभु में मजबूत हैं। प्रभु में क्या है, छोटा बच्चा सबसे छोटा मर गया, कैसे मजबूत, प्रभु ने उनको मजबूती दिलेरी देता। आपके और मेरे जीवन में जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तब मालूम चलता है। आपके आपके जीवन में कल एक्सीडेंट हो जाए, आपके रिश्तेदार आकर देखेंगे आपको, और अगर आपने हाय हाय किया, बोलेंगे ये ऐसी है। आपका गवाही का सबसे अच्छा मौका कब है, जब आप किसमें से जा रहे हैं, मौत के अंधकार के वादी से होकर जाते वक्त। तब आप जरा बोलिए, हमने कितनों के लिए ठोकर बने हैं। दुनिया कब देख रही थी, जब हम जीवन में से करना क्या था उस समय ना। लेकिन अगर अभी से ही आपका परमेश्वर से संबंध ठीक नहीं है ना, आप उस समय क्या नहीं कर पाओगे। अभी उदाहरण, आप विश्वासी हैं, आपके जीवन में समस्या आ गई, मौत आ गया, कुछ भी आ गया, हम थोड़ी आकर कुछ कर पाएंगे। हम कितना भी हौसला दें, वो काम में नहीं आएगा अगर आप खुद संभाल नहीं पाते। सो कल परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए परिस्थिति बनाएगा। तब आपने दिलेरी से खड़े होकर क्या करना, हमारे बोलने से नहीं, आपके सोचने से भी नहीं होगा। अगर अभी से ही वो नाता अच्छा नहीं है, आप खड़े होकर हाय हाय रोने लगेंगे। हम लोग कितने, एक जगह में तो एक लाश के लिए दफनाई के लिए गए, मैं भी था उसमें, उधर तो खड़े हुए विश्वासी भी छाती पीटने लगे। मैंने बोला मैं, अब हम क्या बोले, शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़े, तू विश्वासी और तू छाती पीट रहा, तू कहां का विश्वासी, तू डूब मरना अच्छा था। हम ऐसी भाषा बोलते हैं, तेरे घर में कोई मर गया, तू तो विश्वासी है, तू दुनिया की तरह माथम थोड़ी कर सकता है, तेरा विश्वास कहां, तू खड़ा नहीं हो पाया, हम भी कुछ नहीं कर पाए, सिर झुकाकर शर्म के मारे घर आए। बोल, ये क्यों हो रहा, क्योंकि परमेश्वर के साथ के उस संबंध को क्या नहीं किया, नर्चर नहीं करने। लेकिन बिल्कुल उल्टा, अगर संबंध सही है तो दूसरे लोग आपके पास आकर तसल्ली पाकर जाएंगे, देखो तो सही कैसे हंसता है, कैसे मुस्कुरा रहा है। प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, इसको पूरा क्या है, विश्वास है। सो अब ये पिक्चर मैंने शायद पिछले दिन दिखाया था, कौन है, रानी है ना, ये भाई साहब क्या बुलाते हैं, हम क्या बुलाते हैं, हम बोलते हैं क्वीन, और ये भाई साहब क्या बुलाते हैं, योर क्वीन इज माई मॉम। दुनिया उसे परमेश्वर बोलती है, मैं उसको बाप बोलता हूं, फर्क है। दुनिया क्या बोलती है, परमात्मा। गुरु भी आए, बहुत आए, बोलते परमात्मा, वो बोलते हम भी लगे हैं, आप तो लगे ही हो, हम तो उसको क्या बुलाते हैं, मेरा बाप। लुक एट द प्रिविलेज, है ना, इकट्ठे हैं। इसी तरह मेरे को और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाएगा या बिठाया है, हाँ जी, बिठा दिया नहीं, तो फिर सिंहासन में बैठे रोते हुए बैठे, वो बगल में देखकर बोलेगी
उठकर दफा हो जा, सच है दफा हो, यही भाषा में बोलेगा। तेरा रोना मेरी भी बेइज्जती है या नहीं? तो तेरे को मालूम है तू किसके साथ बैठा है? आप और मैं, डू वी रियलाइज आई एम सिटिंग विथ हूम, मैं किसके साथ बैठा हूं? दयालु होने के कारण मेरे पापों को माफ किया, अनुग्रहकारी होने के कारण साथ बिठाया। हम उधर भी बैठकर क्या बोलते हैं प्रभु है? रोते धोते रहते हैं। करना क्या है? नम्र रहना। यू हैव टू ऑलवेज, बहुत से विश्वासी घमंड में आकर बर्बाद हो गए। यू हैव टू रियलाइज इट्स हिज ग्रेस, इतना बड़ा सौभाग्य उसने मुझे जब दिया है। कौन सी चिंता है जब रानी मेरी मां है तो मुझे कौन सा चिंता? अब विलियम आया था इधर पिछले साल, हम आए थे, विलियम और केट आए थे और आपका प्रधानमंत्री ट्रूडो उनके बेटे के साथ, उसके बेटे का नाम क्या है, जॉर्ज, उससे हाथ मिला था, हाई फाई कर रहा था। आपके बच्चे कैसा करेगा? हाँ, मैं वो पिक्चर भी देखा, ट्रूडो वो जॉर्ज के साथ हाई फाई कर रहा है। क्यों? बड़े टाट से खड़ा है वो पिछले बार हुआ भी था, ही इंसल्टेड, ये हाथ मिलाने गया उसने मुंह मोड़ लिया जॉर्ज। मैं एग्जाम्पल बोल रहा, ये रानी, ये राजा नहीं है, ये राजा का पोता, पर पोता है ना रानी का, फिर भी ट्रूडो साहब उसके सामने, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। आप पोते हो, पर पोते हो या बेटे हो? हाँ जी, पक्की बात, बेटे की तरह चलो, बाप की थोड़ी बहुत तो इज्जत रखो। हाँ नहीं, आजकल दूसरे क्या बोलते हैं, नहीं राजा की तरह चलना, बड़ी कोठी डालनी है, अच्छे कपड़े पहने, कपड़े कुपड़े में नहीं है बात, बात किधर है, मेरा चाल चलन दिखाना, मैं कौन हूं। हाँ देखा ना, तीनों है ना, वो क्या बुलाता होगा विलियम, रानी को क्या बुलाता होगा, ग्रैंड माँ, ये क्या बुलाता है, माँ। अब ये सोचकर बैठे ये मरेगी कब, तब हम गद्दी पकड़ेंगे। क्या इंग्लैंड वाले बोलते नहीं, तेरे को नहीं बिठाएंगे, तेरे बेटे को बिठाएंगे, तेरा रिकॉर्ड खराब है ना। अब होगा क्या, बेटा बोलेगा नहीं रहने दे, मैं नहीं गद्दी में, तू बैठ जा, तब इंग्लैंड खुश हो जाएगा। आपको कभी गद्दी मिलेगी? हम भी क्या ऐसे बैठे, बाप मरेगा तो हमें भी उसका गद्दी मिलेगा? जीते जी उसने हमें क्या दिया, जीते जी, मैं तो मरूंगा नहीं, लेकिन तेरे को मैंने क्या दिया, मेरे साथ का सिंहासन दिया। दीज आर द ट्रूथ्स, बगल में है ना। अब कैसे चलना, इसलिए जब अब्बा बुलाते हैं ना, इधर आजकल समस्या है, एक बात समझाने के लिए, कई बार कई बच्चों को तो हम लोग प्यार करते हैं, मेरे बच्चों का नहीं है, मैंने कईयों को देखा, पापा को भी यार बुला बैठते हैं। क्या बुलाते, यार, तेरा बाप है वो कब से तेरा यार बन गया, सच है, बाप को भी क्या बुला बैठे। हाँ वो क्यों हो गया, प्यार इतना हो गया कंध सारे टूट गए, बाप तो है लेकिन एक इज्जत भी है, हम डैडी क्यों नहीं बुलाते परमेश्वर को। मैंने एक बार एक जगह में था, प्रचार मीटिंग में गया था, उधर एक जी प्रार्थना कर रहे हैं, डैडी तेरा धन्यवाद, मैंने बोला मेरे साथ हुआ, विश्वासी लोग मेरे पिताजी को पापा पापा बोलते थे, एक श्रीमान मेरे मगर लग गया डैडी डैडी करके, मैं बोला तू मेरे मगर क्यों डैडी लगा
बोलते नहीं पापा जी चले गए आप हमारे डैडी हो. मैं बोला मैं किसी का डैडी नहीं, जूते लेकर मारूंगा मैं. वो क्यों हो गया? प्यार थोड़ा ज्यादा ही हो गया. इतना ज्यादा ना प्यार करें. समझ में आया? प्यार में इज्जत भी है. डैडी डैडी बोलते बोलते क्या हो जाता है? बैठना तो है लेकिन मेरी मां बोलकर जफी डालकर नहीं बैठ सकता इधर. सो हम क्या नहीं बुला सकते? डैडी नहीं बुलाते. अब्बा क्यों बोल रहे हैं? वो रिस्पेक्ट है. दैट इंटीमेसी. इंटीमेसी का मतलब वो नजदीकीपन है. वो संबंध इतना गाढ़ा है. तो अब एक बात, इतना नजदीकी संबंध है तो क्या बाप आपके ऊपर बिगड़ सकता है? हाँ, बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता. भाई अब एक उदाहरण, बुरा मत मानना. अब मेरे अंकल को जानते हैं ना, शुरू शुरू में हमें थोड़ी दिक्कत होती थी अंकल जब बिगड़ता था. अब नहीं बिगड़ेगा ना, तब हम परेशान हो जाएंगे क्योंकि वी नो ही लव्स अस. सो लेट अस गिव हिम द फ्रीडम टू बी फ्री. सेम समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं. परमेश्वर को आप पूरी छूट दे सकते हो आपके ऊपर बिगड़ने के लिए. हाँ जी, इंटीमेसी का मतलब क्या है? मुझे मालूम है तू कौन है. तू मेरा बाप है. तू डंडे मारेगा तो भी तू क्या है? मैं घर छोड़ कर नहीं जा रहा. अब्बा बुलाने का क्यों हक दिया? मारूंगा तो भी ना, तू मेरा कौन है? इसलिए जब मुझे डंडे पड़ रहे किसी को नहीं बोल रहा, मजे से बाप मार रहा ना, बाप बता दे चक्कर क्या है. कान पकड़ता हूं, आगे से नहीं करूंगा. नहीं तुसी मेरे लिए दुआ करो करके. नहीं, मैं अकेला किधर बैठा हूं? दूसरों का प्रार्थना चाहिए. यह नहीं कि अभी किसी का प्रार्थना नहीं चाहिए. प्रार्थना चाहिए. किसके लिए प्रार्थना कर दो? मुझे समझ में आ जाए मेरा बाप मुझे क्यों मार रहा. इसलिए हम दुनिया से क्या बोलते हैं, आप हमारे लिए क्या करो? प्रार्थना करो. फिर कैन यू सी, आपके नाजुक हाथ को पकड़े, टेंडरनेस. डज ही केयर? आपकी फीलिंग्स के बारे में उसको चिंता है? नहीं है. अब बोलो, बाकी बोलते हैं ना परमेश्वर निर्गुण है, सिर्फ ज्योति है. ज्योति को कोई फीलिंग्स नहीं होती, सिर्फ शक्ति है. पकड़ेगा तो मारेगा. लेकिन थैंक गॉड, सर्वशक्तिमान गॉड, ही नोज माय फीलिंग्स. सच है, मेरी हर भावनाओं को क्या करता है, पकड़ा है ना हाथ से. सिर्फ समझाने के लिए मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं. कितने हल्के से उसने पकड़ा. शैतान के हाथ में देगा? हाँ, नहीं ना देगा. अभी हम लोग भी इधर बैठे, इतना सारा इंतजाम किसने किया? बाप ने कर दिया ताकि मैं समझ लूं एक ने मेरे हाथ को क्या किया. कल हम आ रहे थे कहीं से, मीटिंग से आ रहे थे, तो उधर गैस स्टेशन में ही एक माँ ने अपने बच्चे को है ना पीछे से कुत्ते को जैसे डालते हैं ना, इधर डाल कर रखा था. इधर होता है वो रस्सी डाल कर रखा होता है उसके पीछे, जैसे कुत्ते को ले जा रहे वैसे. किसको अब करे क्या, भाग जाएगा गाड़ी के नीचे आ जाएगा. हम हांगकांग में थे, उधर देखा था एक माँ ने चार को रस्सी से ऐसे पकड़ के रखा है जैसे कुत्तों को पकड़ के ले जा रही है. तो क्या बाप ने भी ऐसी पकड़ा है हमें? हम इतने नखरे करते हैं. वी आर सो नॉटी, समझते ही नहीं है. इसलिए बीच बीच में क्या पढ़ते हैं और हम 911 डायल करते हैं. रूपलाल जी, फिर उसके बाद निर्मल जी, हाँ जी, पुष्पिंद जी, हमने 911 डायल किया. सोचते क्या है, एम्बुलेंस भी आ जाएगा, फायर ब्रिगेड भी आ जाएगा, हाँ, मुझे बचाएंगे. कोई नहीं आता तो किसको बुलाएगा? डिपेंडेंस.
अब्बा का मतलब क्या है, मैं अब्बा क्यों बुला रहा हूं, बोलिए। आई डिपेंड ऑन यू, मेरा आसरा केवल तू ही है। किसके सामने रोना है? हाथ आएगा विद दैट टेंडर केयर। डिपेंडेंस सीम्स ईजियर, परमेश्वर पर आसरा करना लगता तो आसान है लेकिन एक्चुअली बहुत मुश्किल है। क्यों? इट ब्रेक्स डाउन टू यू, यू एक्सरसाइजिंग कंट्रोल और हैंडिंग इट ओवर टू समवन एल्स टू एक्सरसाइज। दुनिया क्या चाहती है? इंडिपेंडेंस। दुनिया यही बोलती है, डिपेंडेंस इज मिजरी। तू क्यों बार बार प्रभु प्रभु करी जाओ, मजे से चलो ना। इंडिपेंडेंस इज हैप्पीनेस। इसलिए हमारे बच्चे भी 18 होते ही ना ऐसे घर से भागते हैं जैसे जैसे घोड़े भागते हैं ना घर छोड़कर। वो तो बस वेट कर रहे होते हैं कौन सा डेट ऑफ बर्थ आ जाए। 18, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो हमारी मर्जी, ऐसी है ना। 18 तक तो कैसे ना कैसे दांत पीस कर बड़े, आने दे 18। ऐसी होता है बहुत तेरे विश्वासी बच्चों के साथ। माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, यस वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, एक डिसिप्लिन रखना है, बट डोंट गो ओवर। ओवर हो जाएंगे तो ये बैठे तो हैं, संत महात्मा बनकर बैठे तो हैं, एक दिन ऐसे भागेंगे फिर आएंगे भी नहीं ये, और आप बोलोगे पता नहीं गया किधर। आज सबसे ज्यादा बिगड़े किसके बच्चे हैं? विश्वासी के। बिगाड़ा किसने? माँ बाप ने। कैसे? उनको लकीर वकीर सब कींच कांच कर दे दिया, बाहर नहीं आया। स्कूल से वापस आया टाइम पर नहीं पहुंचे तो फोन, किधर है तू? वो कहीं भी बैठा होगा, वो बोलेगा डैड मैं इधर बस स्टैंड में खड़ा हूं, बस नहीं आ रही, बेटा कहीं और है। और आप क्या सोचोगे किधर बैठा है? सो दुनिया क्या चाहती है? इंडिपेंडेंस। बट व्हेन यू से अब्बा, व्हाट डज इट मीन? तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं। ऐसे ना है, अब्बा बुलाने का मतलब क्या है? कैमरा का मतलब है? कैमरा का मतलब क्या है? राइट, आर यू सेफ? हाँ जी, घर में कैमरा लगाकर इधर बैठकर देख सकते हो? अगर हम इंसान ये कर सकते हैं तो एम आई सेफ? क्या मैं सुरक्षित हूं? करना क्या है? उस पर भरोसा करना। आई एम सेफ, मुझे कोई, इसलिए बोलते हैं आई एम सेव्ड, मैं बच गया, उद्धार पा लिया, अब मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, है ना? वचन में लिखा है ना, रोमियो में, रोमी 8:1 में है ना, अब जो मसीह में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई शाप नहीं। अब तो मैं बड़े आराम से बड़े आनंद से क्या कर सकता हूं, चल सकता हूं ना। फिर मालूम क्या आता है? दैट कॉन्फिडेंस। कोई भी समस्या हो मैं क्या करूंगा? ये ऐसे कूद क्यों रहा है? हाँ जी, खुशी से है, इसको वो आत्मविश्वास है, टाप लूंगा। जब उसको बाप करके जानते हैं ना तो फिर अंदर क्या आता है? मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। नहीं तो हम उधर बगल में खड़े रहकर बोलेंगे तुसी दुआ करो, तुसी मेरे लिए क्या करो,
हमने दुआ करके फायदा क्या, कूदना तो तूने, तू नीचे ही जाएगा। हम बगल में खड़े होकर सबको क्या बोल रहे हैं, मैं छाल मारने जा रहा हूं, आप सब क्या करो। अरे हम दुआ करेंगे तो ताकत तेरे में, तभी ना तो उधर जाएगा, दुआ के ताकत से थोड़ी तो उस तरफ जाएगा। और फिर हम बोलते हैं दुआ में बहुत ताकत है, ताकत तेरे में होना हर परिस्थिति को क्या करने के लिए। सो जब बाप को जाना है सो अंदर क्या आता है, एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं, ध्यान से समझना, अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस नहीं, किसके ऊपर है, दुनिया सेल्फ कॉन्फिडेंट है। शैतान भी चाहता है आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाए, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन असलियत में एक विश्वासी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, गॉड कॉन्फिडेंट है। मेरे साथ परमेश्वर होने के कारण मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करता है फिर, है ना। मरकुस 14 का 26 पढ़िए, मार्क 14:26। मार्क 14:36। हाँ जी, 36। अते उन आख्या अब्बा हे पिता ते तो सबो कुछ हो सकता है, ये प्याला मेरे कोलों हटावे ता भी ओ ना होवे जेड़ा मैं चाहता हाँ, पर ओ जेड़ा तू चाहता है। तो इधर लिखा हुआ है, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से, प्रभु यीशु का प्रार्थना है, और कहा हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। मनुष्यत्व में वो प्रार्थना है, क्या बोल रहा है, तुझसे सब कुछ हो सकता है। तो अब्बा कर कर क्यों बुला रहा, आप बोलिए, कटोरा आया ना, खून कैसे निकल रहा है, पसीने की तरह खून निकलने वक्त भी मुंह से निकलने वाली आवाज क्या है, हे अब्बा। क्यों हमारे साथ इधर है मुसीबत, हे अब्बा कब बुलाना, जब खून कैसे निकल रहा है, क्यों, क्योंकि बेशक मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं तुझ पर आश्रित हूं, स्टिल आई ट्रस्ट यू। मुझे कुछ भी समझ में, तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, खून पसीने की तरह निकल रहा है तो भी मुंह से क्या निकल रहा है, हाय नहीं, हे अब्बा, हे पिता, अंधेरा है, कोई भी साथ नहीं, मैंने उनसे बोला था मेरे लिए प्रार्थना करना, वो सो रहे हैं, ये गेतसेमने का घटना है, वो सो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मेरा तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तेरे तू हो सके तो ये प्याला को क्या कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन आई ट्रस्ट यू, इसलिए तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे साथ गलती क्या होती है, हम बोलते प्रभु मैं ट्रस्ट तो करता हूं, क्या कर दे, तू प्याला हटा देगा कर कर मुझे ट्रस्ट है, गड़बड़ी उधर है। हमारा ट्रस्ट ये नहीं है कि प्याला हटा देगा, हटा सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को भी क्या बोले, हमें बचाने के लिए सामर्थ रखता है, तू मुझे कैंसर से चंगा करने के लिए सामर्थ रखता है, तो भी अगर तेरे को मंजूर है मुझे भी मंजूर है।
वो है अब्बा बुलाने के पीछे का अर्थ। अगर तेरे को मंजूर है तू मेरी स्थिति को क्या कर सकता है, बदल सकता है, तू मुझे चंगा कर सकता है। जरा सोच कर देखिए, हैरानी की बात, विश्वासी को कैंसर होता है नहीं होता, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो दूसरों को होता है वो किसको भी होता है, विश्वासी को भी होता है, जबकि होना नहीं चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपने बपतिस्मा लिया तो आपको कैंसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हाँ जी, शुगर का प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ। हम क्या सोच बैठे, अब यीशु में आ गए ना, अब ये कुछ भी गलती उधर है। हैरानी है, परमेश्वर बड़ी मशक्कत कर हमारे अंदर ये सब डालता है। ये लोगों को हजम नहीं होगा। वो चंगा जब कर सकता है, चंगा करता क्यों नहीं, क्योंकि इसके द्वारा उसकी महिमा होनी है। महिमा होगी कैसे, महिमा होती कैसे, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, ये होने दिया, इसके पीछे भी तेरा हाथ है, तेरा नाम पाक माना जाए। अय्यूब शुरू में बोला ना, परमेश्वर ने दिया उसका नाम महिमा पाए। सो अब्बा बुलाने का मतलब मुझे दिखता नहीं है लेकिन मेरा तेरे पर भरोसा है। आगे पढ़िएगा लूका 22 का रोमी 8 का 15 पढ़िए, रोमन्स 8:15। रोमन्स 8:15। क्यों जो थानू गुलामी का आत्मा नहीं मिलया जो फिर मुड़ के डरो, सगों ले पालक पुत्र होने का आत्मा मिलया, जिस करके असी अब्बा ये पिता पकारते। ये हमने पढ़ा, हमें गुलामी का आत्मा नहीं, कौन सा है, ले पालक पुत्र का आत्मा। उसके साथ साथ आप पढ़ लीजिएगा गलाती 4 का 6, गलेशियंस 4:6, 4:6। अते तुसी जो पुत्र हो, इसे कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र दे आत्मा नू साडे दिलां विच कर दिता, जेड़ा अब्बा अर्थात ही पिता पुकारदा है। दोबारा पढ़िए। अते तुसी जो पुत्र हो, इसे कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र दे आत्मा नू साडे दिलां विच कर दिता, जेड़ा अब्बा अर्थात हे पिता पुकारता है। सो इधर कौन सा आत्मा दिया, अब्बा पिता पुलाने का आत्मा दिया। इसके साथ पढ़िए मत्ती 27 का 46। मत्ती 27 का 46 46। अते तीये को पैर जसू ने उच्ची आवाज नाल पकाया कि एली एली लमा सबतानी, जिसका अर्थ है ए मेरे पिता ए मेरे परमेश्वर तै मैनू क्यों छड़ दिता। हाँ, इंग्लिश में पढ़ लीजिए मैथ्यू 27:46। And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, इधर हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे पिता, लिखा है हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या बोल रहा पिता, नहीं ध्यान से समझना, इधर एक गंभीर विषय है। पिता नहीं बोल रहा, क्या बुला रहा है, परमेश्वर। और फिर उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं उसका लूका 23 का 46। लूका 23 का 46।
इधर क्या बुलाया? परमेश्वर नहीं बोला? हैंगिंग ऑन द क्रॉस, क्रूस पर लटकते हुए क्या बोला? पिता नहीं बोला? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहा है? हे पिता. वो क्यों फर्क है? फर्क है नहीं है? ध्यान से, इसलिए प्रभु यीशु का भी हम लोग सीखना है. प्रभु यीशु का एक एक शब्द कितना वजन है. क्रूस में लटकते हुए क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, तूने मुझे. मालूम है क्यों ऐसे बोल रहा है? पाप बनकर लटकते वक्त वो नजदीकी पन नहीं है, वो हमारे लिए त्यागा गया ताकि हम कभी भी ना त्यागे जाए. समझ में आ रहा? He was forsaken so that we are never forsaken. फिर भी हम क्या सोचते हैं? प्रभु ने मुझे, अब जब कीमत देने का, लास्ट में क्या बोल रहा है? पिता. कीमत दे रहा है, जाने वक्त क्या बोल रहा है? पिता के हाथ में क्या सौंप रहा है? अपने प्राण को सौंप रहा है. सो हमारे कष्ट के घड़ी में भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या दिया? पहला पत्रस 2:21, फर्स्ट पीटर 2:21. फर्स्ट पीटर 2:20, पहला पत्रस 2:21. क्यों जो तुसी इसे कारण सदे गए, इसलिए जो मसीह भी थोड़े निमित्त दुख चल के एक नमूना थोड़े लिए छड़ गया, कई तुसी ओदी पैर उत्ते तुरे. हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. प्रभु यीशु भी हमारे लिए क्या देकर गया? आदर्श देकर गया, एग्जाम्पल, सो दैट वी फॉलो हिज एग्जाम्पल. समझ में आया? प्रभु यीशु आकर क्या, यीशु का प्रार्थना देखकर चेलों ने क्या बोला? हमें भी सिखा दे प्रार्थना कैसे करनी. और वो प्रार्थना का शुरुआत क्या था? स्वर्गीय परमेश्वर या पिता? This is how you call him. Address him as Father. So, जब हम परमेश्वर को पिता कर पुकार सकते हैं, तो पढ़िएगा इब्रानी 13:5. इब्रानी Hebrews 13:5. उसी माया के लोग तो रहते रहो, जो कुछ थोड़े कोल है उस उत्ते संतोष करो, क्यों जो उन्हें आप आख्या है भई मैं तेनू कदे ना छड़ांगा, ना कदे तेनू त्यागांगा. सो इधर उसने आप हमसे कहा है, है ना, लिखा है, मैं तुम्हें कभी कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा. सो व्हाट वी कैन डू, पढ़िएगा इब्रानी 10:19, Hebrews 10:19. अपरांत हे प्रभु, जदों सानू यस्सू दे लहू दे कारण पवित्र स्थान दे अंदर जान दी दलेरी है. आगे अर्थात उस नवे अते जीउंदे राह दी जेड़ा उन्हें पर्दे नालो पर्दे मानो अपने शरीर रा शरीर थानी साडे लई खोलिया. 22 तक ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਗਈ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ. ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਜਬ ਹਮ ਯੇਸ਼ੂ ਕੇ ਲਹੂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਏ ਔਰ ਜੀਵਤੇ ਮਾਰਗ ਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਾ ਹਿਆਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है,
और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। इधर क्या कहा गया, हम किधर जा सकते हैं? परमेश्वर के हियाव के साथ विथ ऑल बोल्डनेस हम किसके पास जा सकते हैं? लेकिन जाने में इधर क्या लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। प्रभु यीशु ने अपने शरीर में कीमत देकर मेरे को यह मौका दिया कि मैं किसके नजदीक आ सकूं। इसलिए अपने विवेक के ऊपर किसका छिड़काव? प्रभु यीशु का खून का छिड़काव का मतलब क्या है? हमारा विवेक हमें दोष देता है। यस, गलती करते हैं तो कौन दोष देता है? विवेक। प्रभु यीशु ने मेरे लिए कीमत दिया, जब मैं बोलता हूं तो मेरा विवेक भी क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। सो आपकी समस्या का समाधान किसके पास है? किसके पास है? आप ही के पास है ना। पढ़िए इब्रानी 4:16। इसलिए आओ असी कृपा दे सिंहासन दे अग्गे दलेरी नाल चलिए ताकि असी दया प्राप्त करिए अते ओ कृपा पाइए जो वेले सर साडी सहायता करे। हाँ, सो इधर लिखा है, दोबारा मैं पढ़ रहा, आप दोबारा पढ़ दीजिए। इसलिए आओ असी कृपा दे सिंहासन दे अग्गे, कृपा दे सिंहासन दे अग्गे, अनुग्रह के सिंहासन के निकट। हाँ, दलेरी नाल चलिए, दलेरी से जाएं भाई असी दया प्राप्त करिए, ताकि हम क्या प्राप्त कर सके? दया प्राप्त करें अते ओ कृपा पाइए, और वो कृपा पाए जो वेले सर साडी सहायता करे, जो आवश्यकता के समय हमारी। लिखा है ना, सो किधर जाए? उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। आप नहीं जाओगे तो हम क्या कर सकते हैं? फिर जल्दी से पढ़िए भजन संहिता 57:2, Psalms 57:2, भजन संहिता 57:2। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। पढ़िए, मैं अत महान परमेश्वर नु पुकारांगा, उस परमेश्वर नु जेड़ा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। 34:17 पढ़िए, भजन संहिता 34:17। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धार्मी दोहाई देते हैं अते यहोवा सुनता है अते उन्होंने सारे दुखों से छुड़ाता है। भजन संहिता 119:145, भजन संहिता 119:145। हे, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। 119:145। मैं अपने सारे मन नाल पुकारिया, हे यहोवा मेनू उत्तर दे, मैं तेरिया विधियां सांभ रखांगा। भजन संहिता 42:2, साम्स 42:2। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरा जीव परमेश्वर दे ले, जीवंदे परमेश्वर दे के आया है, मैं कदों जावां अते परमेश्वर दे सन्मुख हाजिर होवां। अगला भजन संहिता 84:2, साम्स 84:2, भजन संहिता 84:2। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। मेरा जी यहोवा दियां दरगाहां ले तरसदा, सबों पसदा जांदा है, मेरा तन मन जीवते परमेश्वर ले जयकारा गाउंदा है। हाँ, भजन संहिता 11:7, साम्स 11:7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कर्मों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। क्यों जो यहोवा धर्मी है, वो धर्म नाल प्रीत रखता है, सिद्धे लोग उसका दर्शन पाएंगे। भजन संहिता 17:5,
Psalms 17:5. हाँ पढ़िए. मेरे कदमा ने तेरिया लीहां ठीक पढ़िया है, मेरे पैर नहीं चलते. मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं. आखिरी आयत रोमी 15:13. रोमी 15:13. हुण आशा दा परमेश्वर तुहानू निश्चा कारण दे वसीले नाल सारे आनंद अते शांति नाल भर देवे, भई तुसी पवित्र आत्मा दी सामर्थ नाल आशा विच वधदे जाओ. परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. सो इतना विषय जब सीख लिया, कैन यू गेट अप? अब पुतला बनकर ना बैठे, मूर्ति बनकर ना बैठे. इतने दिनों में सीखा हुआ विषय इज मर्सीफुल, दयालु, माफ करता, प्यार करता, बाप है. अभी योगा की जरूरत है, खड़े हो सकते हैं प्रभु के सामने. इधर अभी खड़े होने को नहीं बोल रहा, करना क्या है. अब चाहे जो मर्जी हो जाए, शैतान कितनी ताकत से भी आ जाए, इसलिए लिखा है होशे में, पढ़ा ना, परमेश्वर का ज्ञान. प्रभु यीशु का भी प्रार्थना, ये तुझे जाने. आज जब आप घर जाएंगे, कितने दिलेरी से जा सकते हैं इफ यू एक्सेप्ट. वचन ना पढ़ा, इतनी आयतें पढ़ दी. मेरा नहीं है, हमारा बाप हमसे कह रहा. आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें. इतना ऊंचा पदवी जो हमें मिला, हालेलुया, कितना आनंद का जीवन है. मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है. चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होए, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया. मुंह खोलकर हम अभी हमने वचन सीखा है, हालेलुया. जप करते ना बैठे, बात करें, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, स्तुति. आइए हम लोग प्रार्थना करने के पहले एक गाना गाएं. 161 है, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी. चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी. दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी. मिलकर गाएं. मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी. मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी. चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी. मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी. दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के बाद
हसी जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी मसी जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी अंधकार जग में जब फैल जावे राजा और हाकिम शत्रु हो जाए अंधकार जग में जब फैल जावे राजा और हाकिम शत्रु हो जावे वो अग्नि कुंड है और शेरों की मांग है जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी वो मेरा मित्र है वो मेरा चरवाहा मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह तुरी सुने अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे तुरी सुनने का वक्त अब आ गया अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे कब तू आएगा कितनी देर करेगा कब तू आएगा कितनी देर करेगा मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह हालेलुया हमारे अनुग्रहकारी पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं धन्यवाद हो प्रभु बाप कर कर तुझे जानने का सौभाग्य पुत्र का वो अधिकार आपने हमें दिया इससे बढ़कर और कुछ नहीं इससे बढ़कर और कुछ नहीं प्रभु हम कितने आशीषित हैं स्वर्गीय स्थानों में तेरे साथ बिठाया है हालेलुया अनुग्रह के सिंहासन के सामने दिलेरी से आने के लिए हम एक एक को सहायता कर आज इधर से जब वापस अपने घरों में जाते हैं बाप सुना हुआ वचन हम सब के लिए हमारे परिवारों के लिए हमारे देश के लिए आशीष का कारण हो सके तो जल्दी आ रहा है कितनी देर और करेगा मेरा प्रभु तेरा इंतजार है प्रभु तेरी बाट जो तेरे निकले तू हमें एक एक को सहायता कर यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं आमीन